क्या बीजेपी संग गठबंधन पर शिवसेना में दो फाड़ हो गया है? बीजेपी के साथ गठबंधन के मुद्दे पर क्यों बटी हुई है शिवसेना? शिवसेना भले ही आगामी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी हो, वो भले ही लगातार बीजेपी के खिलाफ आग उगल रही है और उसे अपना सबसे बड़ा राजनीतिक शत्रु करार दे रही हो, लेकिन बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की उसकी धमकी को लेकर पार्टी दो गुटों में बंटती दिख रही है। खबरों की माने तो पालघर उपचुनाव में करारी शिकस्त के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन के मुद्दे पर शिवसेना में दो फाड़ हो गया है। एक ओर जहां शिवसेना के लोकसभा सांसद और विधानसभा सदस्य उद्धव ठाकरे से बीजेपी संग गठबंधन तोड़ने के मुद्दे पर फिर से विचार करने की गुहार लगा रहे हैं, तो वहीं राज्यसभा सांसद और विधान परिषद सदस्य पार्टी अध्यक्ष से अपने फैसले पर अड़े रहने की अपील कर रहे हैं। नाम नहीं बताने की शर्त पर शिवसेना के एक लोकसभा सांसद ने कहा कि 2014 के आम चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन के दम पर ही शिवसेना 18 सीटें जीतने में सफल हुई थी। इस बार मोदी लहर उतना ज्यादा नहीं है और हमें कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन अगर हम अपने नुकसान को कम से कम करना चाहते हैं तो हमें बीजेपी के साथ गठजोड़ करना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम लोकसभा चुनाव में 5 या 6 सीटों तक सिमट कर रह जाएंगे। पार्टी सांसद ने पालघर उपचुनाव के नतीजों का हवाला भी दिया। उधर पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दो टूक कहा कि हमारी पार्टी में कोई भी बीजेपी के साथ गठजोड़ नहीं चाहता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पालघर उपचुनाव के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। हमने अपने पहले ही प्रयास में वहां 2.5 लाख वोट हासिल किया, जो एक उपलब्धि है। हालांकि राजनीतिक जानकारों की माने तो शिवसेना ने पहली गलती 4 साल पहले सरकार में शामिल होकर की। अगर वो विपक्ष में रहकर सरकार पर हमले करती तो इससे उसकी कुछ विश्वसनीयता बढ़ती, लेकिन सरकार के अंदर रहकर उसकी आलोचना करने से शिवसेना का दावा कमजोर हुआ है। लोग इसे केवल छल के तौर पर देखते हैं, लेकिन अगर शिवसेना अब गठबंधन से अलग होती है तो ये उसकी दूसरी गलती होगी और पार्टी इस मुद्दे पर बंट सकती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।